फाइनली फाइनली वी रीच टू 1K सब्सक्राइबर्स एंड इट फील्स सो गुड, इट फील्स सो गुड. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड इट मे साउंड नॉट अ बिग डील फॉर समबडी एल्स बट इट इज़ अ बिग डील फॉर मी. इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी क्योंकि इट टुक मी 5 years टू कम्प्लीट 1K सब्सक्राइबर्स एंड दोज 5 years वर नॉट एट ऑल ए स्मूथ वन क्योंकि इन 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ बट आई डोंट थिंक सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मी. दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज, दोज हु बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट, दोज हु सपोर्टेड मी, दोज हु जॉइंड दिस जर्नी बाई ट्रस्टिंग मी एंड दोज हु शेयर्ड माई वीडियोज, दोज हु वेटेड फॉर माई वीडियोज. आई वॉन्ट से थैंक यू. Thank you for everything. Thank you for supporting this channel. And first of all, thank you for trusting me. I really, really appreciate you guys being here and showing all this love and support. Pichle kuch dinon mein, we are growing very, very rapidly. And I never thought ki hum 1K subscriber itna jaldi pahunchenge. क्योंकि मैं हमेशा से पिछले 5 सालों से ना बहुत सारी चीज़ें सोचते आ रहा था एंड आई वॉज लाइक 4 महीनों में कर दूंगा 1K, 4 महीने में कर दूंगा और ऐसा 4 महीने करते करते 5 साल हो गए एंड वी फाइनली मेड इट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. मुझे एक अपडेट वीडियो भी बनाना था बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू क्यू एन अ वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फैमिली का सपोर्ट कैसा था यूट्यूब में आने के बाद. ऑलवेज पॉजिटिव. मेरे मम्मी पापा हमेशा से मुझे day 1 से मुझे सपोर्ट करते आए. व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग करियर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे को रोका नहीं एंड व्हेन इट कम्स टू दैट आई एम वेरी वेरी लक्की गाय. विच सेटअप यू यूज फॉर एडिटिंग, शो अस योर सेटअप टूर. ट्रस्ट मी, मेरा सेटअप टूर बहुत ही बकवास है बट फिर भी अगर आपको देखना है तो हियर इज माई सेटअप टूर. फर्स्टली ये मेरा डेस्क है जो कि प्लास्टिक का बनाया हुआ है और बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही मजबूत डेस्क है जिसपे मैंने हर एक जगह डूडल करके रखा है. उसके ऊपर रखा है मेरा लैपटॉप जो कि है लिनोवो लीजन 5. इसके स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे. बाकी राइट साइड ऑफ द टेबल पे है कुछ बुक्स जो कि मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मेरे आइडियाज़ बुक जिसमें मैं मेरे आइडियाज़ लिखता हूँ. दिस इज़ ए लॉजिटेक माउस G402 और मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड था जो कि ख़राब हो चुका है. सो अभी मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से ही काम चलाता हूँ. ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव लैम्प और मेरा पुराना फ़ोन, कुछ पेन्स. ऊपर दीवार पे लगा है कैलेंडर एंड सम स्टिकी नोट जिसपे मेरे आइडियाज़ लिखे रहते हैं और महीने में मुझे क्या क्या काम करना रहता है वो सब लिखा रहता है. और उसके ऊपर लगा है जोरो विच इज़ माई मोटिवेशन टू वर्क हार्ड. और इधर मेरा टेबल फैन जो कि मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे एंड दैट्स इट. दिस इज़ माई टेबल. आई होप यू लाइक इट. पता नहीं इसमें कुछ खास बात नहीं है बट आने वाले वक्त में आई एम रियली रियली श्योर कि मैं इसे बदलने वाला हूँ बहुत ही जल्दी. एंड जब भी बदलूँगा तब उसे प्रॉपरली शूट करके प्रॉपर डेक्स टूर आएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. भाई बजट लेंस बता दो सोनी अमाउंट के लिए. भाई सोनी अमाउंट की बात आती है तो बजट नहीं आता है उसमें. जितना भी बड़ा बजट रख लो उतना कम ही होता है. बट आपको अगर बजट लेंस चाहिए तो हियर आर सम बजट लेंसेज फॉर सोनी अमाउंट. I'm a big fan of your screenplay and the screenwriting you do to tell your story. How do you learn? I'm an aspiring filmmaker from YouTube and social media content. So the answer is anime. I know you didn't expect me saying anime, but yes, anime and movies also. I watch a lot of movies, a lot of anime. मैं बहुत सारी चीज़ें observe करता हूँ while watching anime and movies. And because anime have the best character building arc, the best storyline, the best character development, villain arc and everything about anime is just perfection. I'm not saying every anime is perfect, but there are a lot of anime which are even better than Hollywood movies. And as a filmmaker and as a writer, I learned a lot of things just by watching anime and movies. So the key is to observe when you watch movies and also watch anime. The next question is from Instagram. Do you love yourself?
ब्रो गौरव भाई ये क्या सीन है, हाँ इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछना था, बट या ऑफ कोर्स आई लव माई सेल्फ एंड यू शुड लव योर सेल्फ एंड इफ यू डोंट लव योर सेल्फ यू नीड अ थेरेपी माई फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ट्रैवल व्लॉग कब आ रहा है. अब ये सवाल मेरे को बहुत लोग पूछ रहे हैं और उसका मैं सिर्फ कमिंग सून बोल के आपका हाइप नहीं बढ़ाना चाहता हूँ और फालतू में मैं आपको मतलब वेट नहीं कराना चाहता, बट रियलिटी ये है कि अभी फ़िलहाल ट्रैवल करने के बिल्कुल पैसे नहीं है. तो टू बी ऑनेस्ट पैसा तो है ही नहीं, एंड सेकेंडली अगर मैं चाहूँ भी ट्रैवल करना तो बारिश इतनी है मुंबई में कि मैं घर के बाहर भी नहीं निकल सकता. अगर मैं अभी घर के बाहर निकलूँ. हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग. ये कुछ हाल है हमारे एरिया का एंड आई डू वॉन्ट टू ट्रैवल, बट फिलहाल अभी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाकी है जो मुझे शूट करने हैं, नॉट ओनली फॉर यूट्यूब ऑल्सो क्लाइंट वर्क, क्योंकि पैसा भी कमाना होता है. यूट्यूब से तो मेरे को कुछ पैसा आते है नहीं और अब तक तो मेरा चैनल मोनिटाइज भी नहीं हुआ है, सो भूल जाओ दूर तक कि पैसे आएंगे इस चीज़ से. बट येस आई हैव टू डू सम क्लाइंट वर्क राइट नाउ एंड उसके लिए थोड़ा वक्त जाएगा और ट्रैवल के लिए भी वक्त जाएगा, क्योंकि मैं जब क्लाइंट के काम करूँगा पैसे आएंगे फिर उस पैसे से मैं ट्रैवल करूँगा, फिर वो ट्रैवल करके मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर वो वीडियो जब बनेगा तब मैं आप लोग तलक वो वीडियो ला पाऊँगा. सो या दैट्स अ रियलिटी. अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कमिंग सून बोल के आपको सिर्फ यू नो वेट करता रहूँ और आपके डिसअपॉइंटिंग चेहरे देखते रहूँ, इवन दो मैं आपके चेहरे नहीं देख सकता यहाँ से. दैट इज़ वाई ट्रैवल होता रहेगा, बट मेन जो कंटेंट आना है जो आने वाले वक्त में आएगा वो मैं बनाना चाहता हूँ. सो दैट इज दैट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन शैल वी. What do you prefer, a steady shot or a movement wala shot from mobile? To be honest, it depends. It depends on what kind of emotion I want to evoke in the audience. But majority of time, I like a OG tripod shot, static shot, no movement at all. But agar jis cheez ke liye movement ki garaj hai, then I'll go with movement with push in and push out. But majority of time, mujhe ek static shot will do. बिगिनिंग में मैं भी किया करता था फालतू के इधर से उधर ट्रांजिशन, इधर से उधर फालतू के मूवमेंट, स्लो मोशन ऑफ लेफ्ट राइट. अभी भी किया कभी कभी करता हूँ फॉर यूट्यूब, बट फॉर प्रोफेशनल नीड आई डू नॉट लाइक अननेसेसरी मूवमेंट. आई डू गो विथ प्रॉपर स्क्रीन प्ले एंड वॉट आई वॉन्ट टू यू नो पुश इन और पुश आउट दिखाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ इमोशन आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे विथ दैट पर्टिकुलर शॉट टू द ऑडियंस. एंड फालतू के मूवमेंट्स आई डू नॉट लाइक एंड या दैट वॉज सेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ऑल्सो डूइंग फिल्म मेकिंग लर्निंग ऑल फ्रॉम यूट्यूब एंड आई थिंक नाउ आई नो गुड अबाउट इट. माई क्वेश्चन इज हाउ डू यू जनरेट मनी फ्रॉम इट एंड आई एम लिविंग इन अ नॉर्मल सिटी बट नो वन हायर्स फ्री लांसर देयर एंड दे ओनली हायर स्टूडियो फॉर देम वॉट टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारे सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक देश या फिर पूरे दुनिया के फ्रीलांसर्स की प्रॉब्लम है. एंड सेकेंडली आई एम नो एक्सपर्ट इन गिविंग यू एडवाइस अबाउट हाउ टू गेन क्लाइंट, सो या दिस विल बी ओनली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. ओके, इन माय 4 years ऑफ फ्रीलांस फिल्म मेकिंग आई लर्न समथिंग. आई लर्न वन थिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड विच इज योर पोर्टफोलियो. You have to build a solid portfolio around your work, what kind of work you want to do. Like agar aapko documentary karni hai to make a portfolio about documentary films, agar aapko commercial shoot karna hai then make a sorry about that, agar aapko commercial shoot karna hai then make a solid portfolio around commercial films and so on. Because your portfolio is the best thing that you can do as a filmmaker, as a beginner filmmaker. Because bade bade studio aur bade bade agency log ke paas unka proper solid portfolio work hota hai, kyunki un log ne bade bade brand ke saath pehle hi kaam kiya rehta hai, and that's why other brands also go with those studios and you know agency, kyunki unka ek trust rehta hai ki inhone pehle bhi in bade brands ke liye kaam kar chuke hai, then that's why they will give work to them and they will not hire any freelancer जो एक कैमरा लेके एक ट्राइपॉड लेके आ जाता है कि हाँ मैं आपका शूट करके दे दूंगा. दैट्स नॉट हाउ इंडस्ट्री वर्क्स माई फ्रेंड.
You have to put on the work. You have to build a portfolio around it. अगर आप मेरे चैनल के पीछे थोड़ा स्क्रोल करके जाओगे नीचे 2-3 साल पहले, then I used to shoot spec commercials. मैं मेरे को ब्रांड्स कोई पे नहीं करता था, बट मैं फ्री में ब्रांड्स के लिए वीडियो शूट किया करता था ताकि मेरे एक पोर्टफोलियो में उनका एक वीडियो रहे एंड ब्रांड का नाम लगा रहे. इवन दो मेरे को उस ब्रांड ने कुछ पे नहीं किया था, बट आई स्टिल यूज टू यू नो शूट ऑल दैट स्पेक कमर्शियल एंड एड दैट इन टू माई पोर्टफोलियो. उससे 3-4 चीज़ें होती है, ठीक है. एक, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है. सेकेंड, आपके पास एक सॉलिड वर्क प्रूफ रहता है जिसके दम पे आप मतलब क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो. थर्डली, आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है टू वर्क विद दैट ब्रांड. आप गलतियाँ नहीं कर पाओगे. एज एन बिगिनर फिल्म मेकर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू प्रैक्टिस योर स्टफ, ट्राई टू शूट मोर एंड मोर वीडियोज. फ्री के काम करो. स्टार्टिंग में सब फ्री ही मांगेंगे और आपको भी बिना हिचकिचाए फ्री के काम करने पड़ेंगे. फ्री के काम करो, उससे एक्सपीरियंस लो, उससे सीखो. आपका वर्क एकदम बिगिनर लेवल नहीं लगना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू गो विथ यू नो अर्न विथ फिल्म मेकिंग एंड अर्न सम मनी आउट ऑफ इट. सो try to be professional as you can and eventually you will you know have a proper portfolio and aapko sirf email likhna padega ek brand ko aur aapka portfolio send karna padega and aapka portfolio itna acha hoga kyunki aapne itne saal se mehnat karke portfolio banaya and you will get the job. That's how it works. That's how you will get a job even if you are in a remote area or kaun se bhi छोटे या बड़े कौन से भी सिटी से बिलोंग करते हो. इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क देन यू विल गेट द जॉब. इन विच ईयर यू बॉट योर फर्स्ट कैमरा एंड विच वन? आई बॉट माई फर्स्ट कैमरा इन 2019, इन मिड ऑफ 2019 एंड इट वॉज सोनी A6000. सेकेंड हैंड खरीदा था विथ माई यू नो पैसा बचा के थोड़े बहुत. और हाँ, स्टार्टिंग से ही भाई सोनी लवर हूँ, बिग फैन ऑफ सोनी. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोज़ कैसे बनाते हो? फुल वीडियो बना दो. भाई मैं स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ बट ट्राई करके भी हो नहीं. भाई ये क्वेश्चन कितना भर चुका है मेरा DM इस क्वेश्चन से एंड आई डोंट नो व्हाई आजकल स्टोरी टेलिंग का भूत बहुत सबको चढ़ा है. और जब मैं पहला स्टोरी टेलिंग किया करता था तब किसी को नहीं पता था कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है. बट नेवर्थलेस आई थिंक इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी आ चुके हैं और बहुत सारे इमैच्योर लोग जो यूट्यूब पे पहला वीडियो डाल के ही यू नो हाउ टू डू स्टोरी टेलिंग करना चालू कर देते हैं. बट आई डोंट थिंक सो आई रियली हैव टू मेक अ वीडियो अबाउट इट क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू नो अबाउट स्टोरी टेलिंग जो कि एक वीडियो में बिल्कुल कवर नहीं हो सकता. 1-2 घंटे की पूरी लाइव स्ट्रीम भी कर दूंगा तो भी. बट आई थिंक देर इज़ ए वन वीडियो विच आई पर्सनली लाइक, विच आई पर्सनली एन्जॉय दैट गाइज कॉन्टेंट. द ओनली यूट्यूबर आई वॉच इन दिस होल इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी, इधर देख लो, एनीथिंग भाई का वीडियो है. He did a very good job explaining very easily और कम टाइम में, छोटे से टाइम में बहुत ही easily उन्होंने explain कर दिया how to do storytelling. So I guess it will help and मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं because he did it. So I don't have to you know go to all that struggle to make क्योंकि उन्होंने जो बोला वही मैं भी बोलूँगा, वही और भी यूट्यूबर उनका कॉपी करके बता रहे हैं और क्या क्या. I don't wanna do that stuff. I just want to make my videos and that's it. I'm sorry if I disappointed you by saying this but yeah, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, do check it out. So let's move on. So ये थे तुम्हारे सवाल और मेरे जवाब. I hope मैं आपके सवालों के जवाब दे दिया रहूँगा और अगर जिनके सवालों के जवाब नहीं दिया रहेगा मैंने तो उनके सवालों के जवाब मैं कमेंट में दे दूँगा. So सवाल जवाब तो होता रहेगा बट आने वाले टाइम का कुछ बताना है मेरे को आपको. अभी इस मोमेंट तलक सिर्फ वही लोग देखते रहेंगे जो एक्चुअल सपोर्टर है इस चैनल के. एक्चुअल बहुत ही कम लोग जो एंड तलक वीडियोस देखते हैं उनसे मैं ये कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में कंटेंट थोड़ा बदलने वाला है. नॉट
कंटेंट का नीच नहीं बदलेगा. आई मीन इट विल बी फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग रिलेटेड एंड स्टोरी रिलेटेड वीडियोस, बट द वे आई टेल स्टोरी, द वे आई मेक वीडियोस विल चेंज. जो बड़े वीडियोस रहते हैं लाइक स्टोरी टेलिंग वीडियोस रहते हैं, जो मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे वीडियोस बनाता हूँ, उन वीडियोस को वक्त लगता है. मैं वो सारे वीडियोस 4-5 दिन में या फिर एक हफ्ते में शूट एंड एडिट एंड वो सब नहीं कर सकता. द रीज़न बीइंग व्हेन आई लर्न समथिंग इन माय लाइफ देन आई एक्सपेरिमेंट देन आई यू नो अंडरस्टैंड द वे इट वर्क्स इन माय लाइफ and then I realize yeah it is helpful for me, then it will be helpful for you, then I think of making a video on it. मैं directly किधर book का पढ़ के या फिर किधर internet से देख के सुन के नहीं करता वो सब videos. I implement those things in my life and अगर वो चीज़ें मेरे life में बदलाव लाती है then I try to you know पास ऑन टू यू गाइस. सो उन सारे वीडियोस को वक्त लगता है, जो कि मैं हर एक हफ्ते में एक वीडियो ऐसी वीडियो नहीं डाल सकता. तो उन सारे वीडियोस को थोड़ा टाइम लगेगा. तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट, आई डू नॉट वांट टू से दिस बट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक वीडियो उस आउटपुट का मैं आएगा हर हफ्ते में, नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल ट्राई टू मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोस वेरी मच, बट आई वांट टू एंटरटेन यू गाइस, आई वांट टू मेक वीडियोस एंटरटेनिंग एंड दैट्स व्हाई थोड़ा अलग कंटेंट देखने को मिलेगा आपको. बट कुछ भी हो, आपको मज़ा बड़ा आने वाला है एंड आने वाले वक्त में मज़े ही मज़े है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर. आई होप यू enjoyed this video. I don't know, इसमें enjoy करने जैसा कुछ रहेगा तो आपने enjoy किया होगा. So thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. वैसा भी मेरा दिख रहा है कि 4K shoot करके मेरा 0-0 हो चुका है, minutes ख़त्म. So सलाह भेटू मक, bye bye. ये तो मी साला, ये खुर्ची इतना आवाज करता है ना. माइक गिफ्ट कर, हो गया बंद भाई, कोई तो वायरलेस माइक गिफ्ट कर दो.